मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मनोज। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खास खबरों पर। मेघना चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला की लड़ाई के लिए अब होगी आपसी नाकेबंदी। दरभंगा मिथिलांचल के पैसे से मिथिला का नहीं हो रहा है विकास। त्रिदिवसीय मिथिला विरोधी फ्रंट के समापन के बाद बोले मेघना चौधरी बैजू। 5 दिनों से दरभंगा के अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से मरीजों का नहीं हो रहा इलाज। मरीज परेशान तो अस्पताल प्रशासन पूरी तरह खामोश। दरभंगा में मॉल का विधिवत उद्घाटन। डिटेल्स एंड वेलनेस मॉल में सभी प्रकार की सुविधा, फैशन, मेडिकल, फ्रूट्स एवं वेजिटेबल के साथ आम लोगों के लिए उपलब्ध। दरभंगा में बाल दिवस के मौके पर कई स्कूलों में सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन में बच्चों में दिखा उत्साह। स्कूल मैनेजमेंट ने भी बच्चों को किया उत्साहित। और दरभंगा के हराही पोखर तालाब का एक बार फिर अतिक्रमण मुक्त कराने का अस्पताल ने ठाने। करीब दर्जन भर अतिक्रमणकारियों से कराया गया मुक्त। एक दिन पहले जिलाधिकारी ने दिया था आदेश। अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की आज हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता राशि मुहैया कराने को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम के द्वारा दरभंगा के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा आपदा राहत के तहत दी गई राशि की समीक्षा कर शीघ्र से बाकी बचे सभी को बाढ़ राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया। डीएम ने बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को जीआर की राशि पीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भेज दी है। किसी पात्र लाभुक को अगर राशि नहीं प्राप्त हुई तो वे अपने बैंक खाते की जांच करा लें। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों की ओर से जीआर की राशि नहीं प्राप्त होने की शिकायत की गई है। ऐसे शिकायतकर्ताओं के खाते की जांच करा लेने का निर्देश सीओ को दिया। यह समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं सीओ मौजूद थे। दरभंगा डीएमसीएच में विगत कई दिनों से डीएमसीएच अल्ट्रासाउंड बंद हो जाने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि डीएमसीएच अधीक्षक ने जल्दी अल्ट्रासाउंड बनाने की बात की थी। गौरतलब है कि 4 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जिसमें 3 खराब हैं, लेकिन एक से भी मरीजों को अल्ट्रासाउंड नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि डीएमसीएच के अल्ट्रासाउंड विभाग में कोई तकनीक सेल में काम करने वाले एक कर्मचारी लगातार अल्ट्रासाउंड नहीं कराने का दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले दरभंगा डीएमसीएच में एक मशीन में कार्यरत तो 40 आदमी का अल्ट्रासाउंड होता था, लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है, एक सवाल बहुत बड़ा है। हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक भी इसमें खामोश नजर आते हैं। दरभंगा डीएमसीएच में 5वें दिन भी अल्ट्रासाउंड ठप रहने से मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। 4 मशीनों में से यहां 3 खराब पड़े हैं, जबकि चौथा ठीक है। बावजूद इसके कर्मियों की लापरवाही से ठीक मशीन से भी मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। रोजाना गरीब मरीज बाजार में ऊंची कीमतों पर जांच कराने को मजबूर हैं। समस्याओं से अधीक्षक को अब तक अवगत नहीं कराना घोर लापरवाही को दर्शाता है। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर बालेश्वर सागर ने भी माना कि समस्या उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई समस्या है तो बहुत जल्द इसको दूर किया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर के अवकाश ग्रहण करने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समूह ने उन्हें भावभीनी बधाई। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पैथोलॉजी विभाग के साथ डीएमसीएच अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ बेहतर रिश्ते कायम कर कार्य किया था, जिसे सभी ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। दरभंगा डीएमसीएच पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर बीएन ठाकुर को विदाई दी गई। पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने ठाकुर को फूल की गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मौके पर डॉक्टर सीएम झा, डॉक्टर शीला साहू, डॉक्टर लालजी चौधरी, डॉक्टर आरएनपी सिन्हा सहित कई विभागों के चिकित्सक मौजूद थे।
लहरियासराय थाना क्षेत्र के नगर नंबर 6 पर चाय दुकानदार के साथ मारपीट एवं दाढ़ी मांगने के मामला को लेकर के दरभंगा पुलिस काफी सक्रिय थी। सिटी एसपी के विशेष आदेश के बाद लहरियासराय थाना ने विक्रम माथुर नाम एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर पहले से लहरियासराय थाना में 6 मामले दर्ज है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 6 स्थित चाय दुकानदार से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दबोच लिया। दरअसल बदमाश ने पिस्टल दिखाकर दुकानदार से रंगदारी मांगी थी। बदमाश की पहचान बेलवागंज मोहल्ला निवासी विक्रम महतो के रूप में की गई है। उस पर पहले से ही आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। दरभंगा के वरीय अधिवक्ता एवं विशेष पूर्व विशेष पीपी कमर इमाम हाशमी उर्फ शमीम के निधन के बाद अधिवक्ताओं में शोक की लहर फैल गई। गौरतलब है इसे लेकर के बार काउंसिल में एक शोक सभा का आयोजन किया गया एवं एक दिन के लिए कार्य को रोक दिया गया। हालांकि उनके निधन के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बेहतर अधिवक्ता बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लहरियासराय के जीएनगंज में भी नमाज की रस्म अदा की गई। फौजदारी कानून के मर्मज्ञ अधिवक्ता कमर इमाम हाशमी उर्फ शमीम साहब का निधन देर रात दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया। इनके असामयिक निधन की सूचना मिलते ही वकीलों में शोक की लहर छा गई। खबर पाते ही दरभंगा बार एसोसिएशन भवन में रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित कर अपने प्रिय अधिवक्ता को वकीलों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद महासचिव कृष्ण कुमार मिश्रा ने मृतक अधिवक्ता के सम्मान में शोकाकुल वकीलों द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्य नहीं किए जाने की घोषणा की। वकीलों के न्यायिक कार्य से अलग रहने की सूचना सभी संबंधित न्यायालयों को भेज दिए गए। देश और राज्य में बढ़ रहे अपराध एवं सरकार के खिलाफ महागठबंधन एवं वाम दलों का संयुक्त रूप से एक धरना प्रदर्शन आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन लहरियासराय के धरना स्थल पर किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विफल है। समाहरणालय के समक्ष बिहार में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, चोरी, डकैती, लूट के खिलाफ महागठबंधन एवं वाम दलों की ओर से आयोजित धरना और आक्रोश मार्च में संयुक्त संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया गया। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक स्वर में बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वहीं मांगों को लेकर एक स्मार पत्र जिला समाहर्ता को दिया गया। लहरियासराय के स्कूल में भी बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन करते हुए बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिखाते हुए देखो सामने देखो सभी स्कूल में बाल दिवस चिल्ड्रंस डे मनाया गया है बहुत ही उत्साह से और बच्चे बहुत खुश हैं आज। अब हाँ आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और बच्चों ने बहुत ही उल्लास के साथ इसको मनाया है। बोलो आज क्या किया है तुम लोगों ने, बोलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज हम लोगों ने डांस किया है। बोलो आज क्या किया है हम लोगों ने, बोलो आज हम लोगों ने डांस किया है और चाचा नेहरू का बर्थडे मनाया है। मैं डॉक्टर आर के कर्ण यहाँ लहरियासराय IDPS से बोल रहा हूँ और सभी जानते हैं कि आज बाल दिवस है और बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं, ये हम लोग बच्चों में संदेश देते हैं। जैसे आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ है, बहुत बढ़िया कल्चर प्रोग्राम हुआ है और हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने और छोटे मोटे बच्चे लोग बहुत तन्मयता से
डांस स्पीच डिबेट यानी बहुत प्रोग्राम हुआ है जिसमें यानी बच्चे लोग भाग लिए हैं। मैंने एक ही माने बात का संदेश दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड इन दिस रिफरेंस आई वांट टू से दैट व्हाई वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस फंक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो मैंने बच्चों को एक ही बात कहा कि बाल दिवस यानी चिल्ड्रेंस डे, ये हमारे यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक यानी भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो माने जिन्होंने भारत को सींचा और आज़ादी में बहुत ज़्यादा सहभागिता उनका रहा है और उनका माने जन्म 1889 ईस्वी में दरभंगा डीएमसीएच में एक मरीज भर्ती हुआ जिसकी हालत काफी नाजुक थी। गौरतलब है कि वो मरीज नशा का सेवन करता था और टीबी का मरीज था। अंत में दरभंगा डीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके परिजनों में शोक लहर रही। ठीक से पता नहीं, चार पांच दिन पहले इलाज हुआ है, बता रहा है कुछ नशा का बच्चा घर में नहीं आया। लास्ट बाबू कहाँ से है, घर कहाँ था उनका? यो बाबू पढ़ाई करते थे, यो बाबू नहीं चल गई। डीएमसीएच में मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया जिसे लेकर के डॉक्टरों ने इलाज तो प्रारंभ किया गया लेकिन बता दें 65 वर्षीय महिला को जमीनी विवाद की वजह से पूरी तरह पिटा गया। महिला घायल अवस्था में दरभंगा डीएमसीएच में इलाज करा रही है जिसकी हालत काफी गंभीर और नाजुक है। कौन मारा? बिचन झा ननका झा और आपका मारपीट किया हमने, पहले से ही उनके ऊपर केस कर रखा। उसके बाद उन लोगों ने मतलब केस क्यों किए हुए थे इसके कारण उन्होंने फिर से मारा, हमें इससे पहले भी मारा। कहाँ घर हुआ आपका? रसियारी। रसियारी घर है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। जो लोगों ने मारपीट की है उनका? उनका ननका झा, सुभाष बिचन झा। कौन आपके घर के बगल में? मामला क्या है मारपीट? मामला कुछ नहीं है, इससे पहले जो हम केस किए हुए थे। क्या चीज़ के लिए? हमको मारा था वो लोग। ऐसे ही? नहीं, मतलब था कोई कारण तो उसकी वजह से फिर से मारा गया। कहाँ घर हुआ आपका? थाना? थाना गंज के डीएमसीएच में ट्रॉली पर एक विभाग से दूसरे विभाग जांच के लिए ले जाना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ट्रॉली मैन को। गौरतलब है कि ट्रॉली से सड़क को गुजरने के बाद कई बार दुर्घटनाएं घटी हैं, कई बार ट्रॉली के रॉड तक टूट गए हैं। इस बीच में अभी दरभंगा डीएमसीएच से मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने ट्रॉली मैन को जाते दिखाई दे। हालांकि संबंध में अधीक्षक ने कहा कि ये मजबूरी है क्योंकि एक डीएमसीएच फैला हुआ है और बीच से सड़क है, इसमें मजबूरी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने एवं जांच के लिए लाया जाता है। रेडियोलॉजी विभाग में हम लोगों के पास 4 अल्ट्रासाउंड मशीन थी, उसमें से 2 अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है पहले से, जिसके विषय में BMSICL को लिखा जा चुका है इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, जो अभी तक ठीक नहीं हो सका था। अब 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों से लगभग 125 से 150 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उसमें अभी 1 अल्ट्रासाउंड मशीन और खराब हो गया। तो खराब होने के कारण मरीजों की संख्या तो उतनी ही है और लेकिन अभी होने जो मशीन है वो इतनी अभी कार्यरत है,
ऐसी स्थिति में एक मशीन से इतने मरीजों का करना संभव नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हो सकता है, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने से वे लोग उग्र हो गए और टूटने लगे, किसी का तब नहीं हो। ये आपको मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ये पहला अस्पताल है, दोनों साइड तरफ अस्पताल और बीच से सड़क है, तो दोनों तरफ हॉस्पिटल है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए या एक्सरे के लिए इमरजेंसी से CCW से सर्जरी से मरीज को ले जाया जाता है, तो बस जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है उसी के कवर में उन मरीजों को दूसरी तरफ ले जाया जाता है, लेकिन कभी भी कुछ होने की आशंका तो रहती है। हम लोग उसके बहुत दिनों से ये बात चल रही है, हो भी रहा है, दिख भी रहा है लोगों, लेकिन ये सड़क जब तक बीचों बीच है तो 40 से ही इस पार जाएगा और वैसे हम लोग सुरक्षा का पूरा कर रहे हैं। VIP पर शर्मा डायग्नोस्टिक के पास रिटेल एंड वेलनेस शॉपिंग मॉल्स का उद्घाटन 11 तारीख को हुआ। गौरतलब है कि इस मॉल में दरभंगा में पहली बार सभी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें फैशन साड़ी एवं कपड़े के अलावा मेडिकल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के साथ अन्य सभी आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं को वहां उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके दर में भी काफ़ी कफियत नजर आ रही है। कहा गौरतलब है कि दरभंगा में लगातार आधुनिकता के दौर से गुजर रहे कई मॉल का लगातार उद्घाटन भी हुआ है। दरभंगा के समय डायग्नोस्टिक के पास इस मॉल के उद्घाटन के बाद लोगों में काफ़ी आशा है, लोगों ने सराहा है। वेलनेस का आज उद्घाटन 11/11/2019 को हुआ। इसमें फैशन वियर, मेडिकल, सलून और जो है वेजिटेबल फ्रूट्स, जितने तरह के ग्रॉसरी आइटम्स हैं, साड़ीज है, फैशन वियर है, सारे चीज़ जो है यहाँ उपलब्ध रहेंगे। 4 मंजिल का ये जो है सो मॉल है, ये मॉल जो है सो सारे लेटेस्ट जो हैं सुविधाएँ उससे सुसज्जित है। ठीक। लहरियासराय के होली मिशन गर्ल्स स्कूल में भी बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चे नाचते गाते झूमते रहे। गौरतलब है कि जिस तरह शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है, उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। होली मिशन स्कूल के प्रचार और निर्देशक से निगरानी में बच्चों ने बेहतर कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। एक कविता सुनाना चाहते हैं। सबसे सुंदर देश हमारा, हम
प्राणों से प्यारा, हमें मिलकर रूप सवारा, इसे बनाया जब से न्यारा। उत्तर में जो खड़ा हिमालय, वो करता प्रतिबल रक्षा है, बादल जब टकराता उससे तब जल बरसता है, दक्षिण में लहराता सागर, भारत माँ के चरण पखार, प्रकृति भी धातुओं से अभी धरती का रूप दिखा रहे। धन्यवाद। दरभंगा में 3 दिवसीय विद्यापति समारोह के समापन के बाद विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने सबको धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नेताओं एवं मंत्री विधायक के साथ प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंचाना है कि मिथिला राज्य के संघर्ष के लिए लोग अब आगे आए हैं, मिथिला का विकास होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब मिथिला के विकास के लिए आर्थिक नाकेबंदी भी जरूरी है, क्योंकि लाखों रुपए मिथिला से जाते हैं लेकिन यहाँ का विकास अवरुद्ध है। पार्शियली इम्पार्शियली समर्थन पड़ी थी, लेकिन वन ऑफ देम कृति आजाद अजावो बेच के दस्तावेज तैयार किया और मिथिला राज्य के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी से ऑर्डर करेलन और बहस में डाल दिलन, तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रखलन दोसर व्यक्ति आर जे डी के से नेता विधान परिषद में राबड़ी विधान परिषद में कहलखिन हम मिथिला राज्य होना चाहिए और अटल जी से रोड के और पुल के शिलान्यास के लिए आयल छला 2003 के 6 जून के। अब ओ दिना घोषणा भेले प्रोफेसर मखान चौधरी पूछा नीतीश जी के दलखिन फिर हुकुमदेव जी हाली कतौ दूर दूर तक ओकरा अपना लिपि नहीं छे, ओकरा किछु अपना पास नहीं छले और हमरा संगे जोड़ल गेले संथाली के, तो हमरा आशा नहीं विश्वास है जे परिस्थिति एला के बाद सब गोटे अनुकूल बद हमरा तो एक एक जाए ले क्यों आदमी हमरा एतो से चलब लहरिये सराय संग देत आ क्यों समस्तीपुर आ क्यों दिल्ली जात, ओ फाइनल भेले हम 18 के घेरा डालो डेरा डालो दिल्ली में हम रखने छी। अहाँ सबके जरूर आबि गेल हैत, ससमान के तो पहिने आबि जाइ छै, तैं हम निवेदन पूर्वक कहब जे हमर से अने रटैत छी आओर रटैत रटैत जेना हम मैथिली के लेल रटलहुँ, तऽ एकटा प्रणेता भेला से अहाँके पद्मश्री सीपी ठाकुर। किछु लोकके ई नहि बुझल छै जे ओ मिथिलेके छथि, से ही नहि बुझै छै, जकर कि अने मुस्लिम माने लोक बुझै छलै जे मातृभाषा एकर उर्दू हेतै, ओ अड़िकऽ कहलकै मुजीबुर रहमानके नेतृत्वमे जे हमर भाषा जे छी से बंगला अइ, तैं हम बंगला के आधार पर अपन राज्य नहीं हम अपन देश अलग करब और ओहिमे इंदिरा गांधी के लड़ पड़लन और ओ लड़ाई जे छै से लाहौर तक इंदिरा जी चल गेलखिन आ माँ अने अटल जी विरोधी पक्ष के नेता रहे, ओ कहलखिन जे नहीं ई तो साक्षात दुर्गा के अवतार इंदिरा जी छै। तैं परिस्थिति जहन अबै छै ओहि परिस्थिति में से अहाँ सीमांचल पर एलहुँ हैं, सीमांचल में जे छै से अहाँके एगो छोड़ हमरा स्टूडेंट्स यूनियन के छला नेपाल। दरभंगा के हराही पोखर तालाब पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद आज से अतिक्रमण मुक्त कराना था, इसे लेकर के आज दरभंगा के एडीएम एवं सीओ के साथ दरभंगा पुलिस ने हराही पोखर के आसपास के अतिक्रमित जमीन को खाली कराया। गौरतलब है कि दरभंगा जिलाधिकारी ने एक दिन पहले ही आदेश दिया था कि कुछ लोग हराई पोखर के आसपास अतिक्रमित
कर अवैध कब्जा किए हुए हैं और खाली नहीं कर पा रही। अब उन्हीं के द्वारा राशि खर्च करने के बाद अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया गया। आगे रोड साइड जो मकान दुकान तोड़े हैं उसका पेपर जो भी पेपर हो, पेपर दिखाने के लिए सबको समय दिया गया था, सबको समय दिया गया। 4 साल से पहले से मामला चल रहा है, हमारे पहले के ही अंतरअधिकारी के समय से मामला चल रहा है। क्या दिखाए नहीं दिखाए, तो अब पेपर देखने का ये समय नहीं है। हम केवल पानी के भूभाग को ही सफाई करा रहे हैं, बाकी पेपर देखा जाएगा। पानी में तो किसी का पेपर नहीं होता है, पानी वाला पोर्शन अपना हम साफ करा रहे हैं। और कहाँ कहाँ चीज़ हटाया जाएगा? दिल्ली में भी चल रहा है, वहाँ पर लाल पोखरा में भी चलेगा, सब जगह चल रहा है। सभी शुरुआत है, सभी पोखरा को हम लोग हटाएंगे। तो सड़क का कब से अतिक्रमण किया जाएगा? सड़क तो रोड पर जो अधिनियम के अंतर्गत ये अंचल अधिकारी के यहाँ पूर्व से ही सुनवाई चल रही थी, उस पर ऑर्डर सभी का कागजात जांच करने के बाद जो है जो लोग अतिक्रमण पाया गया है उसी को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। सरकार का आदेश है कि जितना भी जल संचयन जो अभी वर्तमान में तालाब है, तालाब के अगल बगल जितने भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उसको अतिक्रमण मुक्त करना, उसी अभियान के तहत ये कार्रवाई चल रही है। किस किस तालाबों पर होना है ये? अभी ये है, अभी वर्तमान में दिग्घी है, बगल में बलवाही है, तालाब है, शहर में ही है, लाल गंगा सागर है, नई गंगा। बाल दिवस के मौके पर दरभंगा के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर चलने की कसम उठाई गई, बच्चों में खासा रौनक और उत्साह नजर आ रहा था। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव के द्वारा बहादुरपुर क्षेत्र में करीब 3 सड़कों का शिलान्यास किया गया। गौरतलब है कि 2 बजे शिलान्यास कार्यक्रम को होना था, लेकिन भोला यादव के विलंब से पहुंचने के बाद शाम 5 बजे शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। गौरतलब है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कई ऐसे सड़क थे जो जर्जर थे, उस सड़क के निर्माण के लिए भोला यादव ने विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे।
फानी जी जी विधायक जी, आज ऐसी सड़क का शिलान्यास कितना, कहाँ कहाँ कितनी की लागत से हुआ है, जिसमें एक राम भद्रपुर से रही टूल जिसकी लागत करीब 80 लाख का है, और दूसरा एक सड़क है आपको उस्मा मठ से पिपरा जिसकी लागत करीब 51 लाख है, और तीसरा है बसतपुर कब्रिस्तान से लेकर के ये पंसिया चौक तक, मुंशी पोखर होते हुए पंसिया चौक तक का, तो वो उसकी लागत 1,01,00,000 रुपया है। कुल मिलाकर के 2,30,00,000 के करीब का ये आज का योजना है, और ये इलाका काफ़ी उपेक्षित था और हम समझते हैं पिछले 20 वर्ष से ये सड़क नहीं बन पाया था, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये सड़क स्वीकृत हुआ। पहले 9 बार टेंडर निकला, चूँकि अमाउंट इतना कम था जो लोग नहीं भरते थे, तो उसको रिवाइज करवाए, तब जा कर के संवेदक ने इसमें भरा है, और ये काम हो जाने के बाद हम समझते हैं इस इलाके के लोग के लिए। आपकी पंचायत में आज शिलान्यास किया गया है, क्या कहें? आज पूर्णिमा का दिन है और इस सड़क के शिलान्यास के साथ हमारे पंचायत का विकास पूर्ण होता है। इसलिए पूर्ण होता है क्योंकि यह सड़क डिलीवरी रोड के नाम से जाना जाता था। 35 साल मदन मोहन चौधरी जी के बाद इस सड़क को देखने वाला कोई नहीं था। 35 साल हो गए इस सड़क को बने हुए और माननीय विधायक भोला यादव जी ने इसको बनवाने के लिए कदम रखा है, आज शिलान्यास हुआ है। हमारे लिए और इस पंचायत के लिए और इस इलाके के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम विकास की तरफ अग्रसर है, और एक सड़क नहीं, आज तीन तीन सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। एक और सड़क जो 50 लाख की लागत से बन रहा है, पंसिहा से लेकर के श्री राम पिपरा मोड़ तक आएगा, और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से आम जनता के बीच में विधायक जी गए हैं विकास को लेकर के, हम लोग भी विधायक जी के साथ आने वाले समय में रहें, यही हमारी कामना है। विकास का बात रहेगा, विकास की गति को हम और गति देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद मुखिया रामभद्रपुर उज्जवल। मिथिला मस्यूज पर हर छोटी बड़ी अपडेट खबर आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मिथिला मस्यूज को चैनल 277 सिटी केबल पर सर्च करें या फिर यूट्यूब में मिथिला मंच सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके क्षेत्र की खबर ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, एक साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें पुष्पांजलि एलजी शॉप बाकरगंज लहरियासराय दरभंगा। अलंकार जेवर बाकरगंज सरदार साइकिल के बगल में लहरियासराय दरभंगा। होलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार, सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी।
विश्वास के साथ अवश्य पधारे। अलंकार जेवर बाकरगंज सरदार साइकिल के बगल में लहरिया सराय दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान। जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें दगलू सेठ ज्वेलर जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल टीवीडीसी रोड लहरिया सराय दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट बिसरटोला दरभंगा हॉस्पिटल। मिथिलांचल का गौरव आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा।
गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द, संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा।